कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट के दम पर अपने नाम का डंका बजा देते हैं, लोग इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि इनके नाम की लंका लग जाए। तो हमारे आज के इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं ऐसे ही कारीगरों की कारस्तानी जिन्होंने अपने काम से अपने नाम की वॉट लगवा दी। भले ही हम कितनी भी पक्की सड़क बना लें, थोड़े समय के बाद सड़कों पर गड्ढे अपने आप बन जाते हैं। सड़क पर बनने वाले गड्ढे इतने ढीठ होते हैं कि वह सरकारी कामकाज की पोल खोल कर रख देते हैं और पब्लिक परेशान होती रहती है। इसके बाद भी नगर निगम ध्यान नहीं देता कि सड़क पर गड्ढे भी भरना चाहिए। तो लोगों ने नगर निगम की इस आदत का विरोध करने के लिए कुछ इस तरीके का आइडिया निकाला। लोगों ने सड़क पर बने हुए गड्ढे में पेड़ लगाना शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब इन पेड़ों पर फल लगेंगे तो वह फल किसको मिलेंगे। लॉकडाउन में स्कूल बंद थे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बंद थी, तो टीचरों ने सोचा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो एक पिता ने भी अपने बच्चे को फोन दे दिया और बोला, बेटा आप ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ सीखने की कोशिश करो। कुछ देर के बाद पिता ने जब बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने आज की क्लास में क्या सीखा, तो बच्चों ने जो जवाब दिया उसे देखकर बेचारे पिता का दिल बैठ गया। आप भी देखिए कि बच्चों ने क्या कहा। तो देखा आपने, बच्चे हफ्तों के 7 दिन नहीं बल्कि 7 से ज्यादा दिनों के नाम जानते हैं। यह और बात है कि आज भी हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। हालांकि फिलहाल बच्चों के पिता का बैठा हुआ दिल अब खड़ा हो चुका है और उन्होंने अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद करवा दी हैं। एक तरफ तो मोदी जी लोगों को घर में शौचालय बनवा कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बने हुए शौचालय का इस्तेमाल लोग किस तरीके से कर रहे हैं। इन भाई साहब ने तो शौचालय में दुकान खोल ली। एक समय था जब RCC रोड बनने के बाद फट जाया करती थी, उसमें दरार आ जाती थी। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि ठेकेदार उसमें पहले से ही कट लगा देते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जब ऐसा हुआ करता था तब लोग उस दरार को भरने के लिए सड़क पर इस तरीके से टेपिंग कर देते थे। एक मकान मालिक अपने घर में वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट सीट बनवाना चाहता था। इसके लिए उसने जिस कारीगर से संपर्क किया वह वाकई में अभी अभी चांद पर बिल्डिंग बनाकर आया था और उसको अगला कॉन्ट्रैक्ट मंगल पर बिल्डिंग बनाने का मिलने वाला है। तो सोचा चलो रास्ते में धरती पर लैट्रिन बनाते हुए चलते हैं। इस कारीगर ने जब इस आदमी के घर में टॉयलेट सीट को बनाया तो कुछ इस तरीके से उसने बना दिया। वेस्टर्न स्टाइल की ही टॉयलेट सीट है मगर बैठने का स्टाइल देसी ही रखा है। दोस्तों उस कारीगर ने टॉयलेट सीट बनाई और तेज प्रेशर में इसके मालिक को बिठाकर चला गया। हालांकि आदमी बैठते ही आग बबूला हो गया था मगर वह जब तक हल्का हो के बाहर निकलता तब तक पेमेंट लेकर वो कारीगर मंगल ग्रह जा चुका था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस सड़क पर साइड में दोनों तरफ सफेद पट्टी होती है और बीच में भी सफेद पट्टियां होती हैं ताकि गाड़ी चलाने वाले को अपनी साइड का पता रहे। लेकिन यहाँ इन भाई साहब ने इस पट्टी का क्या हाल किया वह आप देख सकते हैं। सड़क पर सफाई करने वाले ने इस डाल को हटाना जरूरी नहीं समझा बल्कि पट्टी को घुमाकर बना दिया। अब आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे जालसाजों से जिन्होंने नकली नोट बनाने में सफलता तो हासिल कर ली मगर शायद उनको मालूम नहीं था कि जो नोट छाप दिया है वह नोट गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है। देख सकते हैं किस तरह इन लोगों ने 250 रुपए का नोट छाप दिया और पुलिस ने इनके हाथ में 250 का नोट देखकर फौरन इन्हें गिरफ्तार कर लिया। भाई एक परिवार में बाप बीबी सहेली जिठानी देवरानी जैसे रिश्ते होते हैं लेकिन सोचिए गांव और कस्बों के नाम भी लोगों ने कुछ इस तरीके से रख दिए हैं कि जिन्हें देखने के बाद 100% फैमिली वाली फीलिंग आती है। आप देख सकते हैं बीवी देवरानी जिठानी बाप यानी कि बहुत सारे नाम। लोग की सोच बड़ी अतरंगी सतरंगी नारंगी न जाने कैसी कैसी होती है मगर इन महाशय की सोच का क्या कहिए जिन्होंने टॉयलेट को सीढ़ी के नीचे बनाने की बजाय सीढ़ी के ऊपर ही बनवा दिया यानी कि जहां सीढ़ियां खत्म होती हैं वहां टॉयलेट बना दिया। और दोस्तों आज की टेक्निकल एज में हर किसी को पढ़ाई लिखाई जरूर करनी चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम आज के टाइम के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं वरना किसी भी फील्ड में हमारी हालत इन चोरों की तरह हो सकती है। दरअसल चोरी की फील्ड में यह बेचारे चोर बुरी तरह फेल हुए। इन्होंने ATM मशीन चुराने का प्लान बनाया और बकायदा उसे चुरा भी ले गए लेकिन हकीकत में इन लोगों का क्या हुआ आप खुद ही देखिए। यह बेचारे ATM और पासबुक प्रिंटिंग मशीन का अंतर ही नहीं समझ पाए लेकिन इसलिए पासबुक प्रिंटिंग मशीन को ही ATM मशीन समझकर उठाकर ले गए।
अक्सर बारिश में जब सड़कों पर पानी बहता है तो उसको निकालने के लिए सड़क किनारे पर बनी नालियों में जालियां लगाई जाती हैं और इसकी वजह से बारिश का पानी आसानी से नालियों से बहकर बहता हुआ निकल जाता है। लेकिन अब जरा इस जाली को देख लीजिए, ऐसा लगता है कि इसे छोटी मोटी बारिश का सामना करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि अच्छी खासी बाढ़ आएगी तब जाकर यह सिस्टम काम करेगा। मानव की बढ़ती हुई आबादी देश के लिए एक समस्या बनकर रह गई है और सरकार इस आबादी के एक्सप्लोजन को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। सरकार ने योजना बनाई हम दो हमारे दो, लेकिन इसके बाद भी लोग हम दो हमारे गिन लो की तर्ज पर बच्चे पैदा कर रहे हैं और सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो सरकार के स्लोगन लिखने वालों ने भी लोगों को कुछ इस तरीके से बना दिया। आप देख सकते हैं कि दो बच्चे मीठी खीर, दो बच्चे मीठी खीर और इससे ज्यादा बवासीर। वाह भाई वाह। गौर से देखिए सड़क के किनारे बने इस घर को और यह बताइए कि बनाने वाले ने इसको आखिर क्यों बनाया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर देखिए, इतना पतला घर बनाकर कोई क्या साबित करना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह लोग जिन्होंने अपना फिगर जीरो फिगर बना लिया है वही इस घर में रहेंगे, क्योंकि वही लोग इस घर में रहने के लायक हैं। शहरों कस्बों में आबादी का दबाव इतना बढ़ गया है कि एक एक घर में रहने वाले लोग अलग अलग समय पर सोते हैं और जागते हैं। जो लोग सो जाते हैं उनके बदले दूसरे लोग जागते हैं और फिर जब जागने वाले सोते हैं तो सोने वाले जाग जाते हैं। क्या करें, जगह ही नहीं है। वहीं गांव देहात में आज भी आलम यह है कि आदमी ठाट से पैर पसार कर सो जाता है, जगह में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस मिस्त्री ने इस तरह के घर को सड़क के किनारे बना दिया। हमारे देश में टिकटॉक को बैन हुए एक लंबा समय बीत गया है, लेकिन इसके बाद भी लड़कियों के सिर से टिकटॉक का भूत बिल्कुल नहीं उतरा है। वे आज भी टिकटॉक बनाने के चक्कर में ऐसी वैसी न जाने कैसी कैसी हरकतें करती हैं, कुछ पूछिए ही मत। जैसा कि इस लड़की ने टिकटॉक का वीडियो बना रही थी, लेकिन उसके चक्कर में ये ख्याल ही नहीं रहा कि आगे चलकर उसे इसकी सीट पर जबरदस्त चोट लगने वाली है। ऐसा लगता है कि इस घर को बनाने के लिए जमीन से ज्यादा आसमान की जरूरत है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारे आज के वीडियो में जिन कारीगरों ने अपनी कारीगरी का नमूना दिखाया, क्या वह किसी काम का है या फिर बस नाम का है? वीडियो को आपने आखिरी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए हमारी पूरी टीम इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है। इंटरनेट से हम लोग वीडियोस निकालते हैं और फिर उनको लेकर आपके सामने आते हैं। तो इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार जरूर रहेगा। आपको इनमें से कौन सा वीडियो सबसे बेहतरीन लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।